जय हिंद दोस्तों, क्या चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे या थोड़ी सी समस्या में होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इसी समस्या से संबंधित। अगर आपने अवध विश्वविद्यालय के किसी भी एग्जाम फॉर्म आपने भर दिया, आपका पैसा कट गया। कभी कभी क्या होता है, पैसा कटने के बाद मोबाइल से वो पेज हट जाता है या फिर रिफ्रेश हो जाता है, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पाती है। समस्या को ध्यान से सुन लीजिए। आप अवध विश्वविद्यालय में कोई भी एग्जाम फॉर्म भर रहे थे, आपका अपने सारा प्रोसीजर कर दिया, पेमेंट कर दिया, पैसा कट गया, लेकिन फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो यही समस्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपको फाइनल प्रिंट आउट निकालना है, वन बाय वन मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले सबसे खास रिक्वेस्ट ये है कि आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। समझ में आ गई बात? दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको सीधे आ जाना है अवध विश्वविद्यालय की उसी साइट पे जहां से आपने फॉर्म भरा था। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, आपने यहीं से किसी एग्जाम्स का फॉर्म भरा था, राइट? अब यहीं से आपने फॉर्म भरा था, तो अगर आप नीचे देखेंगे बच्चों, तो नीचे सबसे फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म और रेफरेंस नंबर, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है फाइंड एग्जामिनेशन फॉर्म नंबर और रेफरेंस नंबर। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, हमारा ये वाला खुल के आ जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर का रोल नंबर भरना है। जैसे मान लीजिए आपने, दो बातें हो सकती हैं, आपने फॉर्म भरा था तो UIN नंबर डाल के भरा था, या फिर प्रीवियस ईयर रोल नंबर डाल के ही भरा होगा, ये आपको बखूबी पता है, राइट? तो अगर आपने रोल नंबर डाल के फॉर्म भरा है तो रोल नंबर डाल दीजिए। अगर आपने UIN नंबर, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे या फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे खासतौर पर BEd की अगर हम बात करें तो वो UIN से भरते हैं, ठीक है? अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपने रोल नंबर से भरा होगा, तो आप अपना UIN नंबर और रोल नंबर यहाँ डाल दीजिए, और नीचे आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे ही आप सबमिट करते हैं क्लिक करके, तो आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। बस यहाँ तक आ गया, कोई असुविधा नहीं। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्म नंबर दिखाई देगा, ये फॉर्म नंबर दिखाई देगा, सामने आपका नाम लिखा रहेगा, उसके बगल में आपने कौन सा कोर्स दिया है वो लिखा रहेगा। कभी कभी कुछ बच्चों को यहाँ पे एक और बॉक्स दिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है पे एग्जामिनेशन फीस। पे एग्जामिनेशन फीस का मतलब ये होता है कि आपने पैसा कट गया लेकिन अभी यूनिवर्सिटी में अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस लिख रहा है और आपका पैसा कट गया, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर पे एग्जामिनेशन फीस नहीं लिख रहा है, केवल इस तरीके से लिख रहा है, आपका कोर्स का नाम लिख रहा है, बगल में रेफरेंस नंबर फॉर पेमेंट, ये सारी चीज, आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो फॉर्म नंबर है ना, इसी फॉर्म नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। इसी फॉर्म नंबर को आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे कॉपी करने के बाद। अब फिर आइए रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म। तो रीप्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे आइए, जो आपने रेफरेंस नंबर वहां पे कॉपी किया था, उसी कॉपी को यहाँ पे क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और एग्जामिनेशन फॉर्म वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर देना, सबमिट करना है। यकीन मानिए, ये जो सबमिट करेंगे आप, तो सबमिट करने के तुरंत बाद आप क्या करना है, सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्माइल लेनी है, एक मुस्कुराना है। इसके पीछे वजह यह है कि ये वाला पेज आपका खुल के आ जाएगा, यही आपका क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट है, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन सबसे पहले एक और काम कर लेना है, क्या, यू हैव टू स्माइल, आपको एक मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी समस्या थी और आपकी समस्या यहाँ पे समाधान हो गई। समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे ही वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके? तो ये आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल के आ गया, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, कॉलेज में जमा कर देना है, आपकी समस्या समाधान हो गई। अवध विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में अगर आप फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में पूछिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपके लिए सहायक हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, बाकी हम लोग हैं, अगर कोई सहायता चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।